स्टेनोग्राफर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी होने वाली है स्टेनोग्राफर की, 2020 में जो सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए ठीक है, मैंने भी एक वीडियो और डाला था बट वो इतना क्लियर नहीं है। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे खुद बहुत परेशान होना पड़ा था, सोचना पड़ा था कि किसके साइन करवाए जाते हैं, गेस्टेड ऑफिसर कौन होते हैं ये सब। तो यहाँ जो सबसे पहला पेज है ठीक है, आपकी मेल CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड उस डिपार्टमेंट, उनको मेल भेजा गया है और ये सारे सर्टिफिकेट भेजे गए हैं कि आप इनको तैयार करके मेडिकल प्लस DV के लिए पहुंचिए ठीक है। तो और जो CBDT डिपार्टमेंट है वो ज्वाइनिंग के पहले पिछले साल उसने ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे ठीक है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है प्लस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें क्या है ठीक है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पर लिखा सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो सर्टिफिकेट्स नहीं लिखा, ओनली लिखा है सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये या तो गेस्टेड ऑफिसर साइन करेगा। गेस्टेड ऑफिसर में कौन कौन आता है, आप गूगल पर डालो कि हु आर द गेस्टेड ऑफिसर, पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों ठीक है। फिर लिखा है MP MLA बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वी आर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपके मम्मी पापा जहाँ के हैं, जहाँ के आप वोटर्स हैं, वहाँ के जो MP या MLA होते हैं ठीक है, जिनको विधायक कहते हैं या सभासद ठीक, हाँ, तो वो साइन कर सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर यानी कि STM भी साइन कर सकते हैं, तहसीलदार या नायब तहसीलदार भी कर सकते हैं और डिप्टी तहसीलदार भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रियल पावर या प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन वी आर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, यानी कि ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है इनमें से ये सारे लोग साइन कर सकते हैं ठीक है। तो मैंने इनके करवाए थे विधायक के ठीक है, तो आप भी करवा सकते हैं। और आपके लिए सबसे आसान ये रहेगा कि आप जिस भी कॉलेज से आपने 12th किया है, मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं या आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कोई भी ईयर हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो उनसे ये सर्टिफिकेट आप साइन करवा सकते हैं, क्योंकि वो आराम से कर देंगे बिकॉज यू आर स्टडिंग देयर, आप वहाँ पढ़ रहे हो वो आपको जानते हैं, या फिर वीडियो से करवाएंगे। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका होगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में साइन करवाने का, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रिंसिपल या हेड मास्टर से करवा लीजिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम फादर नेम यहाँ पे छिपा के रखा ठीक है। तो लिखा सर्टिफाइड डैट आई हैव नोन डैश सन डॉटर ऑफ डैश, आपके पापा का नाम, फॉर द लास्ट, तो जितने साल से आप, मतलब 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो आपके प्रिंसिपल का जो भी मन हो, एक साल 2 साल से जानते हैं आपको, वो साइन करेंगे ठीक है। तो आप प्लेस भी वहीं डालिए, डेट भी वहीं डालिए जब साइन करें वो, पहले से ये सब मत भर के ले जाइए, आप केवल अपना नाम हर जगह और पापा का नाम डाल लीजिए ओके। तो ये साइन हो गए, डेजिग्नेशन विद सील, नेम ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए ठीक है। तो आप किसमें 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे अभी ये देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर यहाँ पे साइन करेगा और वो ये कंफर्म करेगा कि हाँ वो आपको पिछले 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक का जानते हैं, कैरेक्टर के बारे में वो परिचित हैं। तो यहाँ पे लिखा सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, आपका नाम, आपके पापा का नाम, फॉर द लास्ट, तो जैसे मेरे में 1 ईयर डाल दिया ठीक है, 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, मंथ एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ही शी बियर्स अ रेपुटेबल कैरेक्टर एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट विच रेंडर हिम हर अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब उसका चरित्र अच्छा है, मैं उसको इतने महीनों से जानता हूँ और मुझे नहीं लगता या मेरे ख्याल में उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए सुटेबल ना हो ठीक है। फिर इसके बाद आपका देखिए ये नाम, यहाँ पे आपका नाम फिर से डलेगा, मेरा नाम, चलिए आप तो जानते हो मेरा नाम नहीं, अब यही तो छिपाने, हाँ, कुमारी प्रतिमा परिहार इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, तो जो भी गेस्टेड ऑफिसर साइन करेगा वो आपसे डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होना चाहिए ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप किसी भी मेडिकल, जो MBBS डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट होने चाहिए, सरकारी अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज के या फिर जिला चिकित्सालय के, 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस हो उनकी ठीक है। और मैंने तो यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर थे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी में, उनके मैंने साइन करवाए हैं क्योंकि वो भी गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ठीक। और हाँ ठीक है, ये हो गया, तो आप उन्हीं की प्रेजेंस में ठीक है, प्लेस का नाम और डेट, ये नेम, अपना नेम, फादर नेम आप पहले से भर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब आगे का नीचे दिखाते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट बी के। ठीक है, बी में भी एक गेस्टेड ऑफिसर साइन करेगा। आप किसकी करवा सकते हैं वो हम बता देते हैं अभी आपको। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन सनियर डॉटर ऑफ श्री डैस द लास्ट ईयर्स मंथ एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव ही शी बियर्स अ रेपुटेबल कैरेक्टर। ये सारा होगा, यहाँ पे दोबारा आपका नाम डलेगा, इज़ नॉट रिलेटेड टू मी। वो कन्फर्म करेंगे कि आपका उनसे रिलेशन नहीं है। और सिग्नेचर यहाँ पे किए हैं प्रधानाचार्य ने, राजकीय इंटर कॉलेज। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक राजकीय इंटर कॉलेज होता है, ठीक है, एक GIC होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड अनदर इज GGIC यानी गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो जो GIC यानी कि जो लड़कों वाला होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ही और शी इज़ अ गेजेटेड ऑफिसर। तो आप उनसे भी, ठीक है, साइन करवा सकते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जब आप किसी डिग्री कॉलेज के या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की साइन करवाते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो जानते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे वो उनको जानते होंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ आसानी से साइन कर देंगे। हो सकता है आप राजकीय इंटर कॉलेज में ना भी पढ़ते हो, बट ही इज़ अ गेस्टेड ऑफिसर, तो आपको उनके साइन चाहिए होंगे। और यहाँ पर भी आप किसी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे उनके साइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप इनके साइन करवा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डेट डल जाएगी, प्लेस, ठीक है, डेट तभी डालना जब वो साइन कर दें। चलिए नेक्स्ट पेज दिखाते हैं, एनेक्सा टू क्या होता है। ठीक है, ये रहा आपका एनेक्सा टू, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन डैश, ठीक है, फादर नेम, कितने ईयर से जानते हैं आपको, वो सब यहाँ पे डल जाएगा, या कितने मंथ से। और देखिए बियर्स आर अप्रोवल कैरेक्टर, यानी कि ये भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लेकिन ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए और बी से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, मेरा नाम डला, इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, डेट डल गई। यहाँ पे भी एक गेस्टेड ऑफिसर साइन करेंगे, बट जगह का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द गेस्टेड ऑफिसर, उनका नाम क्या है वो बाकायदा यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के साइन करवा सकते हैं, ठीक है। MBBS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोई भी, बट वो परमानेंट होने चाहिए। वो खुद बता देंगे कि वो गेस्टेड ऑफिसर हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने जिन सर के साइन करवाए थे, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, और एटलीस्ट 6 मंथ एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट, यानी कि जब उन्होंने सर्टिफिकेट पे साइन किया था उससे 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस वो कर चुके हैं, उनके साइन डेजिग्नेशन। अब बात आती है एनेक्सा 2 के, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ सी। तो इनसे ऊपर की पोस्ट वाले यहाँ पे ये कन्फर्म करेंगे कि ये जो हैं, जो ये जो गेस्टेड ऑफिसर हैं, कि वो हाँ गेस्टेड ऑफिसर हैं। तो देखिए अकाउंट ऑफिसर के ऊपर जो थे, तो वरिष्ठ कोषाधिकारी सर ने यहाँ पे क्या लिखा, सर्टिफाइड दैट श्री डैस इज़ अ गेस्टेड ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट, उन्होंने ये कन्फर्म किया। मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेज या फिर सरकारी अस्पताल जिसको जिला पुरुष चिकित्सालय भी कहते हैं, अगर वहाँ किसी डॉक्टर से साइन करवाते हैं तो उसके जो ऊपर की अथॉरिटी होगी वहाँ उनके साइन होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे जो ऊपर जो पोस्ट पे होते हैं वो होते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ आप गेस्टेड ऑफिसर यानी कि कोई परमानेंट जो डॉक्टर हों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उनके साइन करवाएंगे। इसके ऊपर मतलब उनकी ऊपर अथॉरिटी जो होगी, यहाँ नीचे साइन होंगे उनके, इधर वो उस डॉक्टर का नाम वो खुद लिखेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हाँ वो इस डिपार्टमेंट के गेस्टेड ऑफिसर हैं। फिर CMO यहाँ पे साइन करके और यहाँ पे मोहर लगा देंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वित्तीय परामर्शदाता ने साइन किए थे, इससे उनके ऊपर जो अथॉरिटी थे वो थे वरिष्ठ कोषाधिकारी, इसलिए उन्होंने यहाँ साइन किए। और फिर लास्ट में क्या होगा, ठीक है, अटेस्टेड यानी कि DM या STM यहाँ पे साइन करके मोहर लगा देंगे, प्लेस और डेट डल जाएगी। इस तरह से आपका क्रेडिट सर्टिफिकेट तैयार होता है।